करोड़ों दिलों की धड़कन और भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह को दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें भोजपुरी फिल्म में उत्कृष्ट अभिनय और भोजपुरी सिनेमा में दिए गए विशेष योगदान के लिए दिया गया है। मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित सेलिब्रेशन क्लब लोखंडवाला में दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन के चेयरमैन अशफाक खापेकर द्वारा आयोजित भव्य अवार्ड समारोह में हिंदी, भोजपुरी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी और टीवी चैनल के नामी गिरामी हस्तियां मौजूद रहीं। इस समारोह में दादा साहब फाल्के के परिवार के उनके पौत्र और पौत्र वधु भी मौजूद थे। यह आयोजन हर साल मुंबई में किया जाता है, जिसमें भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान देने के लिए बहुत से कलाकारों का अवार्ड देकर सम्मान किया जाता है। पवन सिंह ने कहा कि अवार्ड मिलना उनके लिए काफी खुशी की बात है। वो सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ये अवार्ड वो अपने चाहने वाले श्रोताओं और दर्शकों के नाम से करते हैं। गौरतलब है कि पवन सिंह की पिछले साल 2016 में रिलीज हुई सुपर डुपर हिट रही भोजपुरी फिल्म भोजपुरिया राजा और गदर ने बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड कायम किया था और इस साल रिलीज हुई भोजपुरी फिल्म सत्या ने भी रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। पवन सिंह को इसके पहले भोजपुरिया मोहम्मद रफी के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अभिलाष की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।